इसके पहले आप लोगों को उसी से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में बताया गया था। आज आपको डी से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें से पहला ब्रांच है डेयरी टेक्नोलॉजी। इन डेयरी टेक्नोलॉजी वी स्टडी अबाउट द रेजिंग ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ कैटिल, प्रिवेंशन एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के पशुओं के वेराइटीज़ में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए इसका अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ मिल्क और मिल्क के द्वारा बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और उनके प्रिवेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला ब्रांच है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके अंतर्गत हम किसी भी पौधे के एज का डिटर्मिनेशन करते हैं, किसी भी पौधे के एज के बारे में पता लगाते हैं। अगला ब्रांच है डेंड्रोलॉजी, जो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत श्रब्स और विभिन्न प्रकार के ट्रीज पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत स्किन के बारे में और स्किन से संबंधित डिफरेंट डिजीजेस के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। हम एम्ब्रियो से संबंधित उसके विकास से संबंधित डिफरेंट प्रकार के स्टेजेस और उस स्टेज में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में आपको ई से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के वेरियस ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा।